नमस्कार दोस्तों, आपके अपने वैदिक एस्ट्रो लाइफ यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों का दिसंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, 1 से लेकर 31 दिसंबर का समय आपके लिए किस प्रकार से जाने वाला है। सारे ग्रह आपके ऊपर रहेंगे मेहरबान। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि सारे ग्रह आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देने में सक्षम रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन पर क्लिक कीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि इसमें कही गई बातें आपको अच्छे से और स्पष्ट समझ में आ सकें। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह कहाँ विराजमान है और कितने अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम रहेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके कुंडली में सेकंड हाउस में वृषभ राशि के साथ देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। वहीं आपके फोर्थ हाउस में कर्क राशि के साथ मंगलदेव विराजमान हैं और आपके सिक्स हाउस में कन्या राशि के साथ केतुदेव विराजमान है। वहीं आपके एट हाउस में वृश्चिक राशि के साथ सूर्य और बुधदेव विराजमान हैं। आपके टेंथ हाउस में मकर राशि के साथ शुक्रदेव विराजमान हैं। वहीं आपके एलेवंथ हाउस में कुंभ राशि के साथ शनिदेव स्थित है और आपके ट्वेल्थ हाउस में मीन राशि के साथ राहुदेव विराजमान हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मेष राशि वाले जातकों का दिसंबर में आपका स्वास्थ्य किस प्रकार का रहने वाला है। दोस्तों, बता दें कि स्वास्थ्य के सिलसिले में आपका जो स्वामी बनते हैं, मेष राशि के स्वामी बनते हैं मंगलदेव, जो कि फोर्थ हाउस में बैठे हैं कर्क राशि के साथ नीच की राशि के साथ। तो यहाँ पर आपका जो स्वास्थ्य है ना, कमजोरी देखी जा सकती है, आलस्य देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि भी कहीं ना कहीं से फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं शनिदेव। तो 15 दिसंबर के पहले आप अपने खाने पीने पर विशेष ध्यान दें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। बाकी कोई बड़ी बीमारी तो नहीं होगी, लेकिन थोड़ा बहुत तो रहेगी परेशानी। उसके बाद आइए जान लेते हैं कि मेष राशि वाले जातकों का दिसंबर 2024 में आपकी प्रेम प्यार को लेकर कैसा रहेगा। दोस्तों, बता दें कि यहाँ पर जो आपका प्रेम प्यार है ना, 15 दिसंबर के बाद ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके पहले तो गुस्सा देखा जाएगा, क्रोध रहेगा आपके पार्टनर के अंदर और आपके अंदर भी कहीं ना कहीं से लड़ाई झगड़े वाद विवाद की समस्या देखने को मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पर आपके फिफ्थ हाउस के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव, जो कि आपके एट हाउस में स्थित हैं। तो नीच की स्थिति है उनकी और एट हाउस में है, तो कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो आपके पार्टनर के अंदर अग्रेशन देखने को मिल सकता है और आपके अंदर भी कहीं ना कहीं से गुस्सा रहेगा, तो वाद विवाद की स्थितियाँ पैदा हो सकती है। लेकिन जैसे ही सूर्य का ट्रांजिट होगा 15 दिसंबर के बाद, वैसे ही आपके लाइफ पार्टनर में और आपके अंदर सुधार देखा जाएगा। आप दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है, जो अंडरस्टैंडिंग है, फिर से सही होने लगेंगी। अब आइए जान लेते हैं कि आपकी पढ़ाई कैसी रहेगी। दोस्तों, बता दें कि पढ़ाई को लेकर आपके अंदर कहीं ना कहीं से चिंताएँ रहेंगी, घबराहट रहेगी, डर रहेगा किसी न किसी चीज़ को लेकर। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, पढ़ाई को लेकर काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ाने लगते हैं या फिर परेशान हो जाते हैं कि ये चीज़ कैसे कब कंप्लीट होगा, तो ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। 15 दिसंबर के बाद आपकी जो पढ़ाई है ना, वो ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि सूर्यदेव का ट्रांजिट हो जाएगा। अभी एट हाउस में है तो एट हाउस में अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। संतान की स्थिति बता दें दोस्तों, यहाँ पर संतान योग अभी नहीं बने हुए हैं, लेकिन आने वाले टाइम पर जैसे ही गुरु का राशि परिवर्तन होगा, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि जैसे ही देव गुरु बृहस्पति मेष राशि में आएंगे, तो मेष राशि वाले जातकों को संतान का सुख प्राप्त होने लगेगा। उसके बाद आइए जान लेते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा दिसंबर 2024 में। दोस्तों, बता दें कि यहाँ पर आपका जो वैवाहिक जीवन है ना, बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि सेवंथ हाउस के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव, जो कि टेंथ हाउस में हैं और मकर राशि में हैं, वो भी केंद्र में हैं। तो बहुत 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 ज़्यादा बिंदास रहने वाला है। यहाँ पर मेष राशि वाले जो जातक हैं ना, वो अपने वाइफ के साथ, अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं या फिर एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम बिता सकते हैं। तो यहाँ पर आपका वैवाहिक जीवन पहली बार इतना अच्छा देखा जाएगा। उसके बाद आइए जान लेते हैं कि आपका व्यापार कैसा रहेगा। मेष राशि वाले जातकों का जो व्यापार है ना दोस्तों, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्रदेव आपके टेंथ हाउस में बैठे हैं, मकर राशि के साथ अपने उच्च की राशि में बैठे हैं,
तो यहाँ पर कहीं ना कहीं से आपको अपने व्यापार में अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे और आपको अपने व्यापार में कम मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगर आप कपड़े से जुड़े व्यापार करते हैं या फिर चमक धमक की चीज़ से जुड़े कार्य करते, श्रृंगार करते हैं, मतलब सुंदरता से जुड़े कोई भी कार्य करते हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। आइए अब जान लेते हैं कि मेष राशि वाले जातकों का करियर कैसा रहेगा, आपकी जॉब की स्थिति कैसी रहेगी। दोस्तों बहुत ही बिंदास रहने वाला है, क्योंकि जो आपका जॉब है ना, आपको अपने जॉब में काफ़ी ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा और आरामदायक काम करना पड़ेगा। इस टाइम पर मेष राशि वाले जातक अगर कहीं पर भी आप जॉब करते हैं, प्राइवेट करते हैं, फिर सरकारी जॉब करते हैं, तो आपको काम काम करना पड़ेगा, या फिर आप काम करते भी हैं, है ना, तो बहुत ही आराम आराम से करेंगे, कोई हड़बड़ाहट वाली चीज़ नहीं रहेगी और काफ़ी ज़्यादा आपको अपनी जॉब करने में मज़ा भी आएगा। और साथ ही बता दें दोस्तों, ये शुक्रदेव यहाँ पर स्थित है ना, तो आपको प्रमोशन देकर जाएंगे, कहीं ना कहीं से आपको प्रमोशन मिलेगा। और साथ ही बता दें कि आपके सैलरी में धन वृद्धि भी देखने को मिलेगी, मतलब आपके बैंक बैलेंस में भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठे होने के चांसेस हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। भाग्य की बात कर ले आप दोस्तों, तो भाग्य आपका बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि आपके जो भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं ना, वो बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि बैठे हैं सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में बैठे हैं तो यहाँ पर आपका भाग्य आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। और साथ ही बता दें कि यहाँ पर आपकी जो आपकी वाणी है वो भी बहुत ही बेहतरीन रहेगी, मतलब कि आप अपने वाणी के थ्रू ना लोगों को आकर्षित कर लेंगे, आपकी वाणी से लोग बहुत ही ज़्यादा प्रभावित रहेंगे। और साथ ही बता दें कि आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, मतलब आप अपने बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को सेव करते हुए नज़र आएंगे। कुटुंब के साथ आपका रिलेशन अच्छा रहेगा, जो आपके पड़ोसी हैं उनके साथ आपका रिलेशन अच्छा रहेगा। और साथ ही बता दें कि यहाँ पर मेष राशि वाले जातकों के लिए ये भी बता दें कि यहाँ पर आप कोई ना कोई चीज़ परचेस कर सकते हैं, गाड़ी वाहन या फिर ज़मीन परचेस कर सकते हैं, या फिर आप कोई फ्लैट घर इत्यादि ले सकते हैं। अगर आप कहीं भी पैसा लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि आपका भाग्य भी अच्छा है। कुल मिलाकर मेष राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर 2024 का महीना हर तरफ से अच्छा है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी की बात है, आपको हर प्रकार से दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। अभी तक आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में थे, लेकिन आपको इस बार सारे ग्रह सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों यदि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।